हेलो जी गाइस अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे तो जनाब आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ये मेरा बेटा रेडी हो गया कहा जा रहा है मेरा बेटा आ, चलो आओ चलो चलो हाँ जी तो जनाब आज का जो मेरा व्लॉग है ना वो बस टू द पॉइंट है रा, चांद रात का व्लॉग है जो थोड़ी बहुत चांद रात में हम लोगों ने तैयारियाँ तो की थी ईद की कुछ थोड़ी सी अब्दुल रात की चीज़ें लेनी थी वो ली और बस टू द पॉइंट ही मतलब छोटा सा ही व्लॉग है बहुत ज़्यादा इधर उधर के काम इसमें नहीं है तो खैर अभी फ़िलहाल हम लोग बाज़ार गए थे गर्मी ने इस कदर बुरा हाल किया हुआ ना परेशान करके रखा हुआ ना तो इतनी गर्मी लग रही थी ना तो हमने कहा चलो आज ना अपने बचपन की यादें ताज़ा कर लेते हैं जब ऐसा होता था कि हम स्कूल वापसी पे ना गोले खाते होते थे ये वाला तो थोड़ा डिफरेंट है ना ये ग्लास में ये बना के देते हैं बर्फ़ को पहले वो करके ना क्रश करके उसके अंदर नूडल्स डालते हैं साथ में फिर वो खोया डालते हैं जाम श्री शुगर सीरप और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ना, ना इसमें डाली थी तो वैसे जो हम लोग स्कूल से वापसी में खाते होते थे ना स्कूल अपने स्कूल टाइम में वो तो होता था एक स्टिक एक स्टिक के ऊपर होता था ना बर्फ़ लगा के और वो बड़ा मजे का मतलब बड़ा शौक होता था हमें वो चीज़ें खाने का यानी गंद बुला खाने का बड़ा शौक़ होता था तो ये तो उससे कहीं बेहतर है वो तो सिर्फ़ बर्फ़ ही बर्फ़ होती थी और ऊपर आप बस फ्लेवर डलवाई जाओ मैंगो डलवा लो जी और वो टैंग डलवा लो और जाम श्री डलवा लो तो ये सब कुछ होता था तो खैर हम लोगों ने थोड़ा सा गोला खाया ठंड पड़ गई थी ये खा के बहुत मज़ा आया और उसके बाद जी बस हम लोग थोड़ा सा इधर उधर घूमे फिर और अपना जो है ना घर वापस आ गए थे तो है जी घर में ना कुछ तैयारियां हो रही हैं ईद के दिन के लिए जो बाहर बैठना है लोगों ने जिन्होंने उनके लिए थोड़ा सा कर रहे थे कि धूप से जो है ना बचे रहें और उसके बाद हम लोग अगेन बाहर चले गए थे क्योंकि मैंने कहा कि रात टाइम बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा अभी भी हम लोग गए थे हर जगह बहुत ज़्यादा रश था अब्दुल हाथ के लिए हमें सैंडल्स चाहिए थे बाकी तो शॉपिंग सारी मैंने की हुई थी अब्दुल हाथ के कपड़े आपको इन मैं दिखा दूँगी तो उसके अलावा जी बस अब रात के लिए स्लीपर्स और स्लीपर्स नहीं सैंडल्स लेने थे तो वो सैंडल हमने देखे मुझे कोई ख़ास इतने पसंद नहीं आए और बहुत ज़्यादा वैरायटी थी भी नहीं इनके पास ना तो बहुत मुश्किल से ना मुझे एक अर्धा सैंडल बस मतलब बस ठीक था मतलब इस तरह से बस मैंने ले लिया कि भाई अभी काम चलाना है तो कोई बात नहीं अभी फ़िलहाल मैं ले लेती हूँ तो वापसी पर जब हम आ रहे थे ना तो ये बाहर मेन रोड पर ना ये पूरी बकरों की लाइन लगी हुई थी माशाला से इतना सारा जानवर इतना सारा जानवर था ना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे जानवर थे तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं थोड़ा सा ऑफ कोर्स सबके घरों में होंगे सब देख ही रहे होंगे हमारे भी है लेकिन ये जो देखने का मजा होता है ना एक अलग ही होता है जब हम लोग छोटे से होते थे ना तो अपने बाबा के साथ स्पेशली जाते होते थे बकरा ईद पर ना कि हमें दिखा के लाएं हमने बकरे देखने हैं हमने गाय देखनी है तो हमारे बाबा लेके जाते होते थे हमें दिखाने के लिए तो ये हर बच्चों को शौक होता है ना हर बच्चे को शौक होता है कि हमने भी देखना है हमने भी देखना है तो बस खैर बकरे हमारे पहले से आए हुए थे और ये अब आज लास्ट डे ना हर बार छतरा भी एक आता होता है लाजमी दुम्बा कह लें आप वो आ गया था और उसके बाद जी बस रात टाइम हम लोगों ने थोड़ा सा स्नैक्स का ये जेठानी बना के लेके आई थी तो उन्होंने थोड़ा सा स्नैक्स का इंतज़ाम किया हुआ था वो स्नैक्स वगैरह हम लोगों ने थोड़े थोड़े से खाए और ये इसमें चीज़ी पास्ता भी था जो उन्होंने बेक करके बनाया हुआ था क्रीमी सॉ वाइट सॉस पास्ता होता है ना जो वो बनाया हुआ था साथ में ऊपर चीज़ की लेयर भी थी और पिज्ज़ा वाला इन्होंने टच दिया हुआ था उसके ऊपर और साथ में सिंपल पास्ता भी था वैसे हमारी फैमिली में ना ज़्यादा सिंपल पास्ता ही पसंद किया जाता है ये क्रीमी पास्ता बहुत मतलब कम कम लोग खाते हैं तो उसके बाद जी ऑफ़ कोर्स चांद रात है तो ईद की तैयारियां चल रही हैं। ईद की तैयारियों में सबसे पहली चीज यही होती है कि मीठा बनाना है मीठा ना हो तो ईद इनकम्प्लीट होती है चाहे वो ईद छोटी हो या बड़ी हो मीठा तो लाजमी होता है खीर कस्टर्ड फिरनी जो भी आप बनाते हैं वो तो लाजमी बनना होता है तो यहाँ पे बाजी भी खीर बना रही थी जिसके लिए उन्होंने चावल पहले से बॉईल कर लिए थे दूध डाल दिया मैं चावलों का पाउडर यूज़ करती हूँ तो मैं बाजी से कह रही थी कि आपने पूरा पूरा चावल क्यों डाला है तो वो कहती है अभी देखना मैं आपको इसको सेट करके दिखा दूंगी तो उन्होंने फिर बाद में ना बीटर यूज़ किया इसके अंदर तो वो बिल्कुल मतलब जैसे हम पाउडर यूज़ करते हैं ना सेम इसी तरह का हो गया था और बस ये इसके बाद इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे जितनी आपको चीनी पसंद है ज़्यादा या कम वो आप अपने हिसाब से इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा जो खीर हो और उसके अंदर बादाम ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बादाम ही ऐड करने हैं आप जो मर्जी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं पिस्ता डाल लें काजू डाल लें जो भी आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं हमने जस्ट बादाम ऐड किए हैं बादाम को भी हमने क्रश कर लिया था और उसको अच्छी तरह से अंदर डाल दिए थे कुछ हम गार्निशिंग के लिए भी रखेंगे और गार्निशिंग भी कर देंगे प्यारी से उसके ऊपर से तो बस यहाँ पर हमारी खीर पक रही है और ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है अच्छी तरह से हम इसको पका लेंगे ताकि बहुत मजे खीर बन सके और उसके बाद जी चांदा का एक मेन काम होता है जी लेकिन मैं यहाँ ने जो कि पूरी नहीं होने दी है कपड़े प्रेस ही नहीं करने दे रहा था फिर मैंने कहा अब्दुल राहत का वेट करते हैं थोड़ी देर जब यह मौका देगा तो फिर मैं उसके बाद प्रेस करूंगी तो मैंने फिर दूसरे रूम में आ गई मैं पहले ना ए वाले रूम में बैठी हुई थी मेरी कोशिश यही थी कि मैं वहीं बैठे बैठे प्रेस कर लूँ क्योंकि इतनी गर्मी है और जब इस चलती है तो और ज़्यादा हीट हो जाती है तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी लेकिन अब्दुल हाहाद ने मुझे काम करने ही नहीं दिया तो फिर मुझे हिम्मत करनी पड़ी और मैं दूसरे रूम में आई तो ये है जी अब्दुल हाद का प्यारा सा कुर्ता शलवार जो कि अब्दुल हाहाद की भुप्पो ने ही स्टिच करके दिया है बहुत खूबसूरत उन्होंने माशाल्लाह से सिया है तो ये मैं आपको ईद वाले दिन जब अब्दुल हाद पहने तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी और मेरा ड्रेस तो आप लोग पहले भी देख चुके हैं लेकिन चलें आप दोबारा से देख लें तो आप लोग रहे होंगे कि चांद रात का मेन काम जो होता है मेहंदी लगवाना वो तो है ही नहीं तो वो हमें टाइम ही नहीं मिला हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डे यानी ईद वाले दिन लगवा लेंगे और बस यही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग उम्मीद है कि आपको छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे अल्लाह हाफिज़